नमस्ते दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में हमने द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट और सेंट्रल रूल के बारे में डिस्कशन किया था, जो अगर हम लेजिस्लेशन का पार्ट भी मानते हैं तो उसमें BOCW एक्ट एंड रूल्स यानी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जो एक्ट्स और रूल्स है उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। उसी में हमने देखा था कि BOCW एक्ट और रूल में कुछ वर्कर्स के लिए बहुत सारी प्रोविजन है जिसको हम वेलफेयर फैसिलिटीज कहते हैं, और ये वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए वेलफेयर बोर्ड भी वहां पे होता है, और ये वेलफेयर बोर्ड के पास कुछ फंडिंग रहती है और उसके फंड थ्रू ही ये अलग अलग जो वर्कर्स की फैसिलिटीज है या वेलफेयर फैसिलिटीज या अलग अलग स्कीम्स है उसके लिए वेलफेयर बोर्ड थ्रू फंडिंग होती है। तो ये जो फंडिंग है तो उसमें अगर हम देखते हैं तो वहां पर एक टैक्स आ सकता है या फिर सेस आता है, और उसी सेस की वजह से हम ये अलग अलग फंडिंग या अलग अलग स्कीम से ये चला सकते हैं। तो ये सेस स्टार्ट करने के लिए यहां पर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 में स्टार्ट किया था। तो इसमें देखेंगे हम तो यहां पर 15 सेक्शन है इसमें, जिसमें शॉर्ट टाइटल है, डेफिनेशन है, लेवी या फिर जो सेस है उसका कलेक्शन, उसके रिटर्न फर्निशिंग या असेसमेंट, पावर टू एग्जेम, पावर टू एंट्री, इंटरेस्ट पेबल, पेनल्टी प्रोविजंस, रिकवरी प्रोविजंस, अपील्स, पेनल्टी ऑफेंसेस और पावर टू मेक रूल्स और रिपील एंड सेविंग। तो ये अगर एक्ट देखेंगे तो ये हमने जो बात की थी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 जो है इसका रेफरेंस लेके ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 बनाया गया है। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि उसमें बहुत सारे वर्कर्स के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज है और ये वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेलफेयर बोर्ड्स की होती है। तो ये वेलफेयर बोर्ड यहाँ पर वेलफेयर सेस एक्ट के लिए यूटिलाइज होता है। तो ये अगर हम सेक्शन 1 देखेंगे तो इसका नाम क्या है उस हिसाब से वहां पर बताएं, BOCW वेलफेयर सेस एक्ट 1996, ये थ्रू आउट इंडिया के लिए एप्लीकेबल है और ये 3 नवंबर 1995 में ये एक्चुअली एनफोर्स किया था। सेकेंड सेक्शन है डेफिनेशंस के बारे में, तो मैक्सिमम डेफिनेशन ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 की जो डेफिनेशन है वही सेम यहाँ पर लागू है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ 3 डेफिनेशन उन्होंने दिए हैं, जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड यानी कि जो BOCW का वेलफेयर बोर्ड के बारे में अभी हमने बात की थी उसको ही हम यहाँ पर जनरलाइज बोर्ड वर्डिंग यूज कर सकते हैं। फिर फंड यानी कि जो BOCW वेलफेयर फंड होता है उसको ही हम यहाँ पर जनरलाइज फंड यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर ये रूल्स के अंदर जो भी एक्ट्स के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी वो सभी प्रिस्क्राइब्ड है। उसके अलावा जो भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज या वर्डिंग आएंगे वो सभी BOCW एक्ट 1996 ओरिएंटेड ही यहाँ पर काम करेगी और उसका मीनिंग वही होगा। फिर थर्ड सेक्शन है जो है लेवी और कलेक्शंस ऑफ सेस के बारे में, तो नॉर्मली लेवी फोर्सफुली लिया जाता है और जो सेस है वो एक्चुअली एक टैक्स का ही टाइप होता है। जैसे कि अभी अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो वाटर सेस भी होता है, यानी कि जो हम वाटर कंज्यूम करते हैं जो रेजिडेंशियल लेवल पे हो या इंडस्ट्रियल लेवल पे हो या कॉरपोरेट या कमर्शियल सेमी कमर्शियल लेवल पे हो, तो वाटर कंजम्पशन हम जो करते हैं उसके लिए हम सेस पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो नॉर्मली अगर इसको कहेंगे तो ये सब टैक्स होता है। तो मेजर टैक्स हमको जो मालूम होता है वो मेजर हमको इनकम टैक्स मालूम होता है, लेकिन अगर हम अलग अलग सेस एक्ट टैक्स के बारे में जानकारी लेंगे तो उसमें कॉरपोरेशन टैक्स हो सकता है, एक्साइज ड्यूटीज हो सकती है, कस्टम ड्यूटी या सर्विस टैक्स हो सकता है। तो ये सभी जो टैक्सेस जो नॉर्मली 1-2% वाले होते हैं ये सभी सेस कहलाते हैं। तो टैक्सेस और सेस में ये मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी उसी तरह अगर हम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए फंडिंग के लिए जो सेस लिया जाता है वो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट होगी
वो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट से 1 से 2% तक लिया जाता है। तो 1 से कम % भी नहीं होगा और 2 से ज्यादा भी नहीं होगा, इसलिए 1 to 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये एम्प्लॉयर यानी कि जो ये कंस्ट्रक्शन काम करने वाला है, जो मेन एम्प्लॉयर है, ओनर है, उससे ये लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज होती है या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, वो ये एम्प्लॉयर थ्रू 1 to 2% सेस लेंगे और फिर ये कलेक्शन होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट इसको बोर्ड को देगा, बोर्ड यानी कि यहाँ पर BOCW वेलफेयर बोर्ड। और फिर ये वेलफेयर बोर्ड जो है ये इसके लिए जो अलग अलग फैसिलिटीज है उसके लिए कंज्यूम कर सकता है। तो कहीं जगह ये भी बात है कि ये जो 1% या 2% की बात हम कर रहे हैं तो ये रेट्स भी कुछ जगह चेंज हो सकते हैं। तो बिल्डिंग का क्वांटम क्या है, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितने हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क कितना है, उसके बेसिस पे भी यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज वाला जो ऑफिसर है वो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली अमाउंट कितनी लेनी है एज अ सेस कलेक्शन। और फिर ये कलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट थ्रू वो वेलफेयर बोर्ड को जाएगा। फोर्थ सेक्शन है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। तो अगर जो बात गवर्नमेंट ने बताई है कि आपको जो 1 to 2% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको सेस देना है लोकल अथॉरिटीज थ्रू गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट बोर्ड को देगा, अगर ये बात उन्होंने कंप्लीट नहीं की तो वहां पर उनको नोटिस जा सकती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज थ्रू। और फिर वो नोटिस का आपको रीजन देना होगा कि आपने ये सेस क्यों पे नहीं किया है और जो भी डेट हमको बताई गई वो डेट के पहले आपने ये पेमेंट क्यों नहीं किया गया। तो ये सेक्शन 4 के थ्रू आप यहाँ पर अगर सेस कलेक्शन विद इन डेट नहीं हुआ तो उसके फेलियर थ्रू आप नोटिस भेज सकते हैं। सेक्शन 5 है असेसमेंट ऑफ सेस, जो अभी हमने बात की कि 1 to 2% ये नॉर्मल रेंज है। तो एग्जैक्टली असेसमेंट क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन वर्क कितना है, उसका क्वांटिटी कितना है या फिर बिल्डिंग की क्वांटिटीज कितनी है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कितना है, ये बहुत सारे ऐसे जो पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे जो असेसमेंट होगा वो सेफ्टी वो ऑफिसर करेगा। और वो ऑफिसर का जो सेस असेसमेंट का अमाउंट होगा वही आपके लिए पेएबल अमाउंट होगा। तो एम्प्लॉयर को वो अमाउंट आपको पे करना होगा विद इन द डेट। तो ये असेसमेंट का जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर ये BOCW एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज या ऑफिसर्स को है। सेक्शन 6 जो है वो है पावर टू एग्जेम्प्ट, यानी कि कुछ जगह कुछ बिल्डिंग्स या कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर एग्जेम्प्ट भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड्स है कि कंडीशन क्या है, किस रीजन पे इसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। ये सभी डिसीजन जो है ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट जो ऑफिसर से वो ले सकते हैं। तो ये जो अलग अलग गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस होते हैं या फिर ऑफिशियल गैजेट्स होते हैं उसके रेफरेंस थ्रू आप कुछ कंडीशंस के बेसिस पे अगर इसको एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटी और ऑफिसर उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है। जो भी 1 to 2% वाली हमने परसेंट सेस की बात की थी उसको एग्जेम्प्शन मिल सकता है। सेक्शन 7 जो है वो है पावर ऑफ एंट्री, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर या अथॉरिटी है वो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां पर ये सेस लागू है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी भी टाइम पे जा सकता है, किसी भी जगह जा सकता है और ये वेरीफाई कर सकता है कि जो चीजें इन्होंने एज ए एम्प्लॉयर हमको बताए थे कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क हम इतना करने वाले हैं या फिर इतना क्वांटम में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, वो सभी चीजें वो वेरीफाई कर सकते हैं। और फिर जो भी अगर वेरिफिकेशन के बाद में अगर उनमें कुछ लैक्यूनाज अगर फाइंडिंग्स मिल जाती है तो वो एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि आपको ये करेक्शंस करना होगा और फिर ये करेक्टेड पर्टिकुलर्स आपको वापस से यहाँ पर सबमिट करने होंगे और फिर उसके बेसिस पे वापस से सेस के जो कैलकुलेशन है या असेसमेंट है वो यहाँ पर हो जाएंगे और फिर उसके बेसिस पे आपको जो परसेंट सेस है वो आपको पे करना होगा। तो ये ऑफिसर्स या अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट की, इनको ये सभी पावर्स यहाँ पे दिए गए हैं सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 8 जो है, अगर इन केस आप एज ए एम्प्लॉयर आपने ये सेस का जो भी पेबल अमाउंट था वो आपने पे नहीं किया
तो यहां पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो विद इन डेट अगर आपने पेमेंट किया नहीं किया और उसके बाद में आपको नोटिस भी मिली, उसका भी आपने क्लैरिफिकेशन ठीक से नहीं किया या सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया, तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो नॉर्मली होता है 2% पर मंथ। तो ये मंथली 2% यहाँ पे आपको वो जो भी अमाउंट होगी उसके बेसिस पे 2% आपको एडिशन होगा, जितना आप लेट करेंगे उसके बेसिस पे कैलकुलेशन हो जाएंगे और वो बेसिक सेस और उसके बाद में जो इंटरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। सेक्शन 9 जो बात करता है वो है पेनाल्टी रिलेटेड। अगर आपको जो बेसिक अमाउंट बताई गई, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर या अथॉरिटी ने बताई है कि ये पेएबल अमाउंट है सेस अमाउंट, अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया विद इन टाइम जो भी आपको डेट स्पेसिफाई किया है, तो उसके बाद में आपको नोटिस मिल जाएगी, आपको इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस भी बताए जाएंगे और उसके बाद में वहां पर हियरिंग भी हो सकती है। तो हियरिंग में भी एज ए एम्प्लॉयर आप वहां पे आपकी बात रख सकते हैं कि ये मुझे लेट क्यों हुआ या फिर आपने पेमेंट क्यों नहीं किया या फिर जो भी आपके रीजंस थे, नेचुरल कैलेमिटीज थी या फिर कोई मेजर रीजन था या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो अगर ये ठीक तरह से आप प्रॉब्लम समझा नहीं पाए या फिर अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके बाद में आपको पेनाल्टी आपको पे करनी होगी। अगर इन केस आपके रीजन अच्छे है या फिर सेटिस्फाइड है, सफिशियंट रीजन है, तो फिर आपको शायद यहाँ पर गवर्नमेंट पेनाल्टी नहीं लगाएगी। जैसे कि अभी हमने 2-3 साल में जो कोविड का पीरियड देखा है, तो कोविड ये जो ग्लोबल लेवल पे एक डिसीज था और जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पे या फैक्ट्रीज पे या सभी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी जगह सब्सिडीज दी है या फिर एग्जेम्पशंस दिए या फिर टैक्सेस कैंसिल किए या फिर टैक्सेस में कोई रेज नहीं किया, तो ये इसी का एक भाग हो सकता है। अगर आपका जो आंसर है, आपका जो रीजन है, अगर ये सेटिस्फाइड है गवर्नमेंट के लिए, तो आपको शायद पेनाल्टी नहीं लगेगी। सेक्शन 10 जो है वो है रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू अंडर दैट। तो जितने भी आपने अगर पेमेंट किया है और जो पेएबल अमाउंट था जो स्टेट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ने बताया पेएबल अमाउंट, तो उसमें जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस भी आपको यहाँ पर पे करना होगा। अगर ये आपने डिफरेंस विद इन डेट पेमेंट नहीं किया या फिर आप नहीं कर पा रहे, तो उसकी रिकवरी अलग सोर्सेस थ्रू हो सकती है। सेक्शन 11 है कि आप एज ए एम्प्लॉयर जो कुछ आपके अलग अलग रीजन हो सकते हैं उसके बेसिस पे आप अपील कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 2% इंटरेस्ट लगाया है या फिर आपने पेमेंट नहीं किया, आपको एरियाज पे करने के लिए बताया है या फिर आपको कुछ पेनाल्टी लगाई गई है, तो उसके बेसिस पे आप अपील भी कर सकते हैं कि ये रीजन की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम था, इसकी वजह से ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा ये यहाँ पर मानना है कि ये जो भी आपने पेनाल्टी लगाई है या फिर ये जो दावा किया ये गलत है, तो इस हिसाब से भी आपको अपील करने का यहाँ पर हक है। तो अपील करने के लिए भी आपको कुछ जो नॉमिनल फीस होगी वो फीस यहाँ पर पेमेंट करना होगा और उसके बाद में अथॉरिटी आपका जो भी दावा है वो यहाँ पर सुनेंगे और उसके बाद में वो डिसीजन देंगे। तो जो भी डिसीजन होगा, अगर उन्होंने अथॉरिटी ने, एपेलेट अथॉरिटी जो होती है, उन्होंने डिसीजन लेने के बाद उसके बाद में कोई हियरिंग नहीं होगी, उसके बाद में कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगा, तो ये डिसीजन उनका यहाँ पर फाइनल होगा और उसके डिसीजन के बेसिस पे आपको यहाँ पर एक्शन लेना होगा, चाहे वो पेनल्टी फॉर्म में हो या एरियाज का पेमेंट करना हो या फिर अगर इम्प्रिजनमेंट होगी तो वो भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये है सेक्शन 12 जो ओवरऑल पेनल्टी के बारे में बात करता है। तो जो भी हमने अभी बात की कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया या फिर आपने लेट पेमेंट किया या फिर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा या फिर आपने पेमेंट भी नहीं किया, इंटरेस्ट भी नहीं भरा है, तो फिर यहाँ पर पेनाल्टी लग सकती है जो इन टर्म्स ऑफ रुपीस भी हो सकता है फाइनेंशियल पेनाल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर 6 महीने तक भी जेल होने के चांसेस है या फिर यहाँ पर 1,000 का जुर्माना भी हो सकता है। अगर केस पे डिपेंड हो सकता है, दोनों भी चीजें यहाँ पर हो सकती है, जुर्माना भी लगेगा और यहाँ पर जेल भी होगी। तो ये डिपेंड है कि एग्जैक्टली केस क्या है और उसके बेसिस पे ये पेनल्टी की प्रोविजन या प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो ये अलग अलग प्रावधान भी हो सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपके
कैसे से उसके बेसिस पे जो हम ऑफेंसेस कहते हैं, तो ऑफेंसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं, पनिशेबल ऑफेंसेस हो सकते हैं, या फिर जो फाइनेंशियल जो पेमेंट करना पड़ता है उसके बेसिस पे भी पेनल्टीज हो सकती हैं। सेक्शन 13 है जो है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अभी इसके पहले जो हमने ऑफेंसेस की बात की या पेनल्टीज की बात की एज ए एम्प्लॉयर बात की, लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी का ही मेजर प्रॉब्लम है और यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लगता है कि ओवरऑल कंपनी में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर डायरेक्टर्स या मैनेजर, सेक्रेटरीज या बाकी के जो भी ऑफिसर्स होंगे कंपनी के, तो ये सभी के ऊपर यहाँ पर ऑफेंस लग सकता है, यानी कि गुनाह दाखिल हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर प्रावधान दिया है सेक्शन 13 में। तो ये डिपेंड है कि एग्जैक्टली केस क्या है, उन्होंने क्या क्या नोटिसेस दिए हैं, क्या क्या वार्निंग आपको एज ए कंपनी दी है, और उसके बाद में फिर अगर आपने नहीं सुना है तो ये अलग अलग पर्संस पे या ऑफिसर्स पे भी यहाँ पर ये दावा हो सकता है। तो ये कंपनी यहाँ पर अगर आप BOCW वेलफेयर सेस में देखेंगे तो ये कोई कॉरपोरेट बॉडी भी हो सकती है, या फिर कोई फॉर्म भी हो सकता है, या फिर कोई एसोसिएशन भी हो सकती है इंडिविजुअल की। और जो डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो वो फर्म का डायरेक्टर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड्स है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे ये अलग अलग ऑफेंसेस यहाँ पर कंपनीज पे भी हो सकते हैं। सेक्शन 14 है पावर टू मेक रूल्स। तो अभी तक हमने जो बातें कही है कि आपको सेस कितना लगेगा, असेसमेंट कैसे होगा, ऑफिसर्स को यहाँ पर आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए परमिशन से कहीं पर भी वो आ सकते हैं, किसी टाइम में भी आ सकते हैं, और जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन होगा उसके बेसिस पे। उसके बाद में पेनाल्टीज की प्रोविजन भी हमने बताई है कि यहाँ पर पेनाल्टीज क्या क्या हो सकती है, जैसे कि हमने ₹1,000 का जुर्माना देखा है, या फिर जो 6 महीने तक जेल भी देखी है, दोनों भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, या फिर इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो 2% का इंटरेस्ट हर एक महीने को वो भी देखा है। तो ये जो भी यहाँ पर चीजें बताई गई है, चाहे वो पेनाल्टीज इंटरेस्ट के बेसिस पे, असेसमेंट के बारे में, या फिर अपील के बारे में, या फिर जो कंपनी ऑफिसेंस के बारे में, तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन हो सकते हैं अगर वो वैलिड सजेशंस वहां पे आते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि ये अलग अलग ऑफिशियल गैजेट थ्रू यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है पावर टू मेक रूल्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये अगर एक्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर चाहे वो नया एक्ट हो, या फिर उसमें मॉडिफिकेशंस हो, या फिर कोई चेंजेस हो, या फिर आपको कोई ऑब्सोलीट करना है, मेजर चेंज करना है, तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट थ्रू ये आपको पास करना होगा। और दोनों हाउसेस में अगर पास होता है, या फिर कुछ ऑब्जेक्शन होगा, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन सजेशंस होगा, तो वो रेक्टिफाई करके उसको फिर से वहां पर रखा जाएगा। और दोनों हाउसेस में से अगर ये पास होता है, उसके बाद में ये एज अ एक्ट यहाँ पर लागू हो जाता है। तो कुछ चीजें ये भी हो सकती है कि यहाँ पर रिपील भी हो सकता है, और कुछ सेविंग्स भी हो सकता है। तो ये सेक्शन 15 जो है, ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस थर्ड ऑर्डिनेंस 1996 का जो एक्ट था, ये यहाँ पर रिपील हो चुका है, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है। तो ऐसे ही चीजें अगर नेक्स्ट कुछ सालों में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ प्रोविजन नहीं आती है, और उस दौरान के हिसाब से कुछ रिपील करना है, तो वो रिपील भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर से कि ये चेंजेस कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 के बारे में। धन्यवाद।